ये कैसे भैया, ये कोई बात है यार, बुला के आप बैठा देते हो फिर आप भाई। अब अच्छा लगता है आप बैठे हो। अरे यार आपको टारगेट दिया, माल बेचो है, बैठ के काउंटर बैठे हो। भैया रहने दो भैया, आप पानी भी छोड़ दो भैया। सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बढ़िया। भाई मैं आया था सुबह सुबह फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने कहा जल्दी से कुछ काम है, मतलब मेरे को वीडियो वगैरह डालनी है, ब्लॉग डाल ब्रांड को। तो भाई इस चक्कर में ना मैं ऊपर आके बैठा, मैंने कहा मैं जल्दी से गेट खोलता हूँ क्योंकि विशाल नीचे गया हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली। चेंज करूँगा ये स्टार्टिंग का बोलना। सो गाइस सबको पता है कि आईपीएल आजकल पीक पे चल रहा है, माना कि काफी लोगों के लिए एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जिन जिन के लिए है ना उन सबके लिए एक बढ़िया गेम लेके आया हूँ, क्रिकेट एक्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको बेट प्लेस करनी है और बॉल ब्लास्ट होने से पहले ना सारा कैश ले लो। इसके लिए आपको बस रजिस्टर करना है लाइसेंस वेबसाइट पे, पूरा बेट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप डिपॉजिट करो और बोनस पाओ। मैंने 4000 डिपॉजिट किया है। मैं गेम स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2000 बेट करे, बॉल उड़ रही है एंड ब्लास्ट। कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने कलेक्ट पे क्लिक किया जल्दी एंड आई वॉन्ट 16,100 रुपए जीत गया भाई। मैं ये इजीली निकलवा लूंगा, फॉर अ बेट बहुत ही कन्वीनियंट एंड फास्ट है। मेरे को बस अमाउंट क्लिक करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है एंड लो मेरे अकाउंट में भी आ गए। इसके अलावा फॉर अ बेट टूर्नामेंट भी चल रहा है जिसका प्राइस 100 मिलियन रुपीज है। तो बस फॉलो करो लिंक को एंड हैव अ चांस टू विन BMW Z4। कार है, बाइक है, IPL की टिकट और बहुत सारी चीजें। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड मजे करो। यार घड़ी पहनना भूल गया भाई। ये देख के ना ऐसे ही सही लगता है, ऐसे हम इस वाले रोड पे ना, तो इस वाले रोड पे जाम ना हो, तो दैट अपनी गाड़ी निकलती जाए। मुझे लगा दोनों X7 और ये X7 की बिक्री ज़्यादा हो गई क्या भाई, पर लुक में अच्छी लगती है X7, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसके लुक में अगर देखा जाए तो भाई डिफेंडर ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, इसी की रेंज में है फॉर्मेटिक GLS। मैं घर से निकल चुका हूँ अभी फिलहाल करोल बाग जाने के लिए एंड करल भैया के पास है ना, मैंने मैसेज कर दिया। मैं करल भैया आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मैंने बोला था, मैंने कहा आपकी दुकान खुलेगी उसके आसपास में ही आ जाऊँगा, मैं गाड़ी छोड़ जाऊँगा। मेरी आँख जल्दी खुल गई, फिर जैसे ही मतलब खा पी के थोड़ा सा बेड पर लेटा, थोड़ी देर फिर सो गया। ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता है। वे स्विफ्ट के बाद मैंने 3 गाड़ी ले ली है, लेकिन भाई स्विफ्ट की जो मेहनत और स्विफ्ट की जो खरीदने का मज़ा था ना गाड़ी, वो वाले मज़े मतलब उन सब डिलीवरी में नहीं आए, क्योंकि इस पे मैं पापा के साथ, हीना के साथ गया था वहाँ पे, और बस अंदर से इतनी क्यूरियोसिटी थी कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं अपने पैसे ही गाड़ी ले रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं भाई लोन के लिए इधर से उधर डोल रहा था उस टाइम। लोन मेरा एक तो फर्स्ट टाइम था, कोई ITR नहीं, कोई बैंक से कोई ऐसी वेरीफाइड प्रूफ नहीं कि भाई मेरे पास पैसा आ कहाँ से रहा है, ये सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ों को हमने 2-3 महीने जब फेस किया था, एंड उसके बाद जब मैं गाड़ी लेके आया था, उसके बाद जो मतलब ऐसा हो गया था, मैं कहा यार नहीं यार नहीं, मतलब एक गाड़ी यार, फर्स्ट कार मैं फर्स्ट कार आज उसे 4 साल हो गए, 4 साल पहले खरीदी थी ये गाड़ी। सुबह से कल मतलब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से सोचा था कि मैं सुबह ही चला जाता, मतलब जैसे ही मैं उठा था उस टाइम मैंने सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं अभी चल देते हैं, वहीं पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करके बैठ जाएंगे थोड़ी देर। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैं कहा नहीं यार अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा टाइमली चलेंगे, ये भी ना हो कि भाई कवल बाजी को मैंने परेशान ही कर दिया। मगर ले सुबह जाके बैठ गया, मगर भाई बाजी आ जाओ तो ऐसे वाला सीन भी ना होना चाहिए। और डोंट कोट मी ऑन दिस कि भाई तुम डेली भाई ये मॉडिफिकेशन ये दिखाने लग जाते हो। भाई हमारी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बस मैं ये सोचता हूँ कि किसी तरीके से आप सबसे हर दिन मैं मिल सकूँ, बस। चलो अब चलते हैं वहाँ। भाई यहाँ पे तो आज मेरे को लग रहा है करोल बाग में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और अपने यहाँ पे तो भाई लगी हुई है। करोलबाजी के पास पहुँच गया, मेरी गाड़ी पार्किंग में चली गई है। ये भी आ रखा है, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है हमारा, तो हम तो पहली बार काम करा रहे हैं। वो खड़ी तेरी गाड़ी दिखा, देख ही ले, आज मैं बता रहा था मैं यहीं खड़ी होगी। छोले कुलचे भी खाने हैं, भूख लग रही है। भैया 2 प्लेट कर दो, और ये आलू कम डालना। घर से आते हैं गाइस हम भूखे पेट, और यहाँ पे आने के बाद हम ये छोले कुलचे खाते हैं भाई। वो देना चम्मच, ये चम्मच सामने ही रख रखी है सब कुछ। क्या अच्छा इसमें लग रहा है ना, क्या करूं डबल आके लग रही है भैया। वो नींबू पानी पिला दो, मैं एक पिला दो भाई, ज़्यादा सॉल्टी मत बनाना यार। खून पिला दो थोड़ा सा, आई वांट खून, ब्लड ब्लड मुँह पे लग चुका है भाई यहाँ पे आने के बाद बैठने का। वो देखो हमारे पास, ये कैसे भैया, ये तो बात है यार, बुला के आप बैठा देते हो फिर आप भाई। अब अच्छा लगता है आप बैठे हो। अरे यार आपको टारगेट दिया, माल बेचो है, बैठ के काउंटर बैठे हो। ये मुझे पहले बताया होता ना, फिर मैं सुबह सुबह आता ना अर्ली मॉर्निंग, लेट क्यों आया। एक तो यहाँ पे आने में टाइम लगता है, ऊपर से टारगेट दिया 2-2.5 लाख का माल बेचो है बैठ के। आ जाओ भैया आ जाओ, आप भी आ जाओ ले लो भैया 2-2.5 का ले लो यार, फ्री कर दो थोड़ा। अब चल क्या रहा है तो बता दो। चल ये रहा है, मुझे आपके कहीं चैलेंज करेगी अभी, आपको हाथों हाथ देते हैं तब कल आप ही। जो मजे कर दिए ना यहाँ आने के बाद, तो अब किट ढूंढ रहे हैं। अब किट मिल नहीं रही, मिलने के बाद कह रहे कि अगर आज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कल मिलेगी। भाई यहाँ क्यों बुलाया मेरे को यार, शट। आज फर्स्ट टाइम मैंने भाजी को कॉल नहीं किया, मैं सीधा आ गया। मैंने सोचा, मैंने कहा चल सब चीज़ फिर है ही, 2 दिन पहले करके गए हैं तो मिल ही जाएगी। भाई यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा सीरियसली। हम भाई पूछ लो यार, मैं जाना नहीं चाहता भाई। मैंने पूछ ली, मेरे को तो नहीं मिली। झूठ बोल रहे हो ना, ये देखो दिखाओ कॉल मिला उसके बाद में। भैया किट कहाँ है? ये मैंने आपसे स्विफ्ट की किट पूछी थी, नहीं पूछी थी? स्विफ्ट की बम्पर वाली किट पूछी थी आगे पीछे की आपसे। तो मैंने तेरे को कहा है कि हमारे पास नहीं है। ठीक है भैया, और नहीं है डीलर, और बाकी कॉल भी पता कर रहे हैं। मैंने तो अपने उससे डीलर को कर दिया। पानी दे दो यार, उसमें थोड़ा खून मिला देना बस, और इस बंदे का मिला दो तो बहुत बढ़िया है। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? पूरा दिन क्यों आपने यहाँ पे आज दिखा था नसीम को लड़वा ना, कल आपके घर पहुँच जाएगी, मैं भेज दूंगा पोर्टल पे। हेलो लेके जा, आश्चर्य होना भाई, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, बता रहा हूँ। नहीं मिली यार, अरेंज नहीं हो पाई। आपने कॉल भी नहीं किया आने से पहले, उस टाइम कॉल नहीं किया मैंने। हर बार कॉल करके आता हूँ, मिल भी रही है ना, उसमें साइडें नहीं मिल रही है, या तो कॉम्प्रोमाइज करना, तो मैं साइडें नहीं मंगाता। नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा हूँ, जब इतना वेट कर लिया तो थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। जिंदगी के मजे भाई, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी लो ऐसे मजे भैया। मैं कह रहा हूँ इसको भी थोड़े मजे दो ऐसे, इसको बोलो कि आज आके कल ले जाइए सामान। ऐसी डील तो करी नहीं मैंने जिंदगी में, आज भाई करके देखो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। ना 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 आप लोग इतने अच्छे पद में पूरा ठीक। भाई देखो मेरी गाड़ी में काम क्या हुआ है, हटाओ भाई हाथ, डाटा केबल और ये रहता, बस ये हुआ है काम। क्या करोगे अब डाटा केबल का, ये भी मेरे को दे दो, लाओ सब कुछ ले ले तो क्या करें, लेना पड़ेगा। आगे भैया भैया रहने दो भैया, आप पानी भी छोड़ दो भैया। भैया कह रहे हैं 7-8 गिलास पानी पी के जाओ, बहुत अच्छी बात है भाई। यार मेरी गाड़ी आ गई यार यहाँ पे, चलो ना यार आपके पास क्या ही जाओगे गुड़गांव यार, जिंदगी में रोई नहीं चला जाता ना, बोलता रहो। तो भाई यहाँ आ चुकी है अपनी गाड़ी, ठीक है भाई जी निकलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ फिर तो आगे से सॉरी मेरी गलती, मैं आगे से फ़ोन मिला के आऊँगा। कल मैं आपको व्हाट्सएप दिया था, अभी टाइम लग जाएगा आने में। अच्छा। करोल बाग वाली बत्ती पे ही था मैं, कल पक्का फ़ोन पे बात करूँगा। तरह सुबह मैसेज कर दिया था, मतलब जब मैं घर से निकलने वाला था कि पाजी मैं निकल रहा हूँ घर से, और मैं निकला था अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास ना, तो हाँ मैंने फ़ोन मतलब मैसेज कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं निकल रहा हूँ घर से, आप मेरा जो जो सामान है वो मंगा के रख लो। अब कवल पाजी का मैसेज नहीं आया, मुझे लगा देख लिया क्योंकि डबल टिक हो गई थी। अब यहाँ हो रही थी भीड़, इस चक्कर में कवल पाजी ने देखा नहीं मैसेज। जब मैं करोल बाग में एंटर कर रहा था ना, जहाँ पे वो भीड़ थी, उससे एंटर करते इसी वाले रोड पे, मतलब यही वाला रोड है, जो इसी रोड पे भाई मैसेज आया मेरे पास कि भैया आपकी किट नहीं मिली अभी। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, मैं कहा मैं तो पहुँच गया यहाँ पे। कह रहा फिर आ जाओ मैं जुगाड़ करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। तो भाई कवल भैया ने 2-3 जगह बात की, 1-2 जगह निकलने मतलब ऐसा भी हो गया कि भाई मिल जाएगी, पर उन्होंने जब देखा नहीं थी उनके पास किट। जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिससे किट वगैरह लेते हैं, वो बंदे है नहीं यहाँ पे, वो चाइना गए हुए हैं। और मेरा भी एक और दोस्त है जो चाइना गया हुआ है, पता नहीं क्या काम वाम चल रहा है कि इनके सारे एक साथ ही गए हुए हैं बंदे। इस चक्कर में काम किया, इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए ना, बाजी के साथ में बैठ के एक काम किया। मैंने कहा बाजी बजट बनाओ, मेरे को स्विफ्ट में और क्या क्या चीजें करानी है, क्या क्या चीजें बेस्ट हो सकती है और क्या अच्छी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखी है। एसी वेंट से लेके सीट कवर तक, ये भी चेंज होगी, डार्क होगी ये, मतलब मेरे को छत ब्लैक करानी है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो भाई मैंने बात कर ली। तो इतनी देर बैठ के और क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, बात कर रहे थे। पाजी से मैं कहा पाजी ऐसे 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 ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। तो हमने बजट प्लान किया है कि इतना बजट मेरा है, इस बजट में हम क्या क्या चीज़ें बेस्ट लगा सकते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली इतनी देर। भाई फाइनली घर के पास पहुंच गए हैं। भाई लिटरली बताओ ना, आज तक जितनी बार भी मैं करोल बाग गया हूँ ना, उन सबसे वर्स्ट डे था आज मेरा करोल बाग में। क्योंकि पहली चीज़ तो सुबह सुबह 2 घंटे में पहुँचे हैं करोल बाग, इतना ट्रैफिक था। थोड़े तो मतलब 12 बजे के आसपास इतना ट्रैफिक था। अब वापस आने का इतना ट्रैफिक, मतलब 2 घंटे 25 मिनट के आसपास लगे मेरे को करोल बाग से यहाँ जाऊँ। मतलब आधे घंटे का रास्ता है, उसमें मेरे को 2.5 घंटे लगे हैं। तो मेरा माथा खराब हो गया, मैं कहा भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ऊपर से आज हमारा काम नहीं बना वहाँ पे, भाई अल्टीमेट वाला ना जो सर दर्द है वो हो रहा है। खैर मेरे भी सर दर्द हो रहा है और मम्मी के भी हो रहा है सर दर्द। मम्मी के यार अभी दांत में और कान में थोड़ा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों लिंक है भाई। तो सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। मम्मी का फ़ोन आया, मतलब फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ, एक बार जाके देखते हैं। अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो अभी डॉक्टर के लेके जाऊंगा। थोड़ी सी लाइफ ठीक होती है, थोड़ी सी लाइफ बेकार हो जाती है। तो अभी फिलहाल भाई है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ये मैंने परसों तरसों ही देखा है कि यहाँ पे बोर्ड लगा दिया हमारे, मतलब ये अपना जाटसा वाला कटा गया और यहाँ बोर्ड लगा दिया मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। मैं अभी तक गया नहीं हूँ मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। इधर सर दर्द हो रहा है, मैं घर जाके उठाऊँगा। तो बस यहाँ आने के बाद मैंने सोचा एक बार बता दूँ आप सबको कि भाई कितने घंटे लगे हैं वापस आने में।